जब हरी झंडी दिखानी होती है तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दिखाता है वंदे भारत को भी। तो ये जब रेल हादसा हुआ, इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हादसा हो, कोई मर जाए, किसी की जान चली जाए, उसके बाद लोग बात ना करें। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ इस सरकार में संभव है कि ये अडानी को रक्षा कवच दिया हुआ है, उसकी मालगाड़ियां निकालनी है और उसकी वजह से वो मालगाड़ियों को दे रहे हैं जगह और आम पैसेंजर इसमें मर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कवच को इतना ज्यादा आपने प्रमोट किया था, आपने इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, कहां के आज आपका रक्षा कवच? ये भी तो आप देख, भाजपा के वो अपने बिल में छुपे हुए हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है, चूं तक नहीं निकले किसी के कान से। बालासोर हुआ था उसपे भी हमने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा था, लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे प्रधानमंत्री चले गए, तो उन्होंने पूरा अपना गॉडी मीडिया को वहाँ पे लेके गए थे, पूरा प्रचार प्रसार हुआ था और वो मुद्दा को वहाँ पे दबाने का काम कर दिया था। और आज फिर जनता देखना चाहती है कि तब तो आपने कह दिया था कि भाई एक व्यक्ति अपने पद पर रहकर अगर उसका जिम्मेदारी को आगे लेके जाना चाहता है, या तो एक दूसरे महीने में ही फिर से दूसरा हादसा हो गया है, तो अब क्या जब एक व्यक्ति अब उस गलती को नहीं सुधार पाया तो क्या उस व्यक्ति को फिर से उस पद पर रहने की जरूरत है? रेलवे मंत्री इतने लापरवाह हो गए हैं, इतने नाकाम हो गए हैं कि वो इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद इस सरकार के सर में जूं तक नहीं रेंगता है। एक हादसा हो सकता है लेकिन बार बार हादसे नहीं हो सकते। बार बार आपकी गलतियों की वजह से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। रेल हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं लेगा। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दो लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसमें केंद्र सरकार की खामी और गलती है और रेल मंत्री को इसमें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाकामियों की वजह से देश के अंदर रेल दुर्घटना हो रहे हैं और आम लोग उसमें मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ IYC में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आए हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन की वजह बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है जहाँ पे, और ये कल रविवार 7 बजे हुआ है, जहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई है और 25-30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है इनके धरना प्रदर्शन करने की, वही जानेंगे इनसे। सर, क्या वजह है जो आप लोग ये ट्रेन हादसे को लेकर इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके कवच लाने के बाद पूरे देश को ये महसूस और एहसास हो रहा है हम लोगों को कि वो कवच पब्लिक के लिए नहीं थी, वो कवच अडानी जी के लिए थी। इसीलिए वो मोदी जी ने अडानी कवच लाया था, क्योंकि अडानी के जितने भी मालगाड़ी जो रेल चलते हैं वो एक तो टाइम उसकी वजह से रेलवे जो पैसेंजर रेल है वो देर होती है, और जितनी भी दुर्घटना हो रही है वो पैसेंजर रेल की हो रही है। तो हमारा मांग ये है कि सीधे सीधे इसमें केंद्र सरकार की खामी और गलती है और रेल मंत्री को इसमें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाकामियों की वजह से देश के अंदर रेल दुर्घटना हो रहे हैं और आम लोग उसमें मारे जा रहे हैं। देखिए, पिछले एक साल में जिस तरह से लगातार यात्री ट्रेन में जो हादसे हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कारण हम केंद्र की सरकार और रेलवे प्रशासन को मान रहे हैं। रेलवे मंत्री इतने लापरवाह हो गए हैं, इतने नाकाम हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ इवेंट करके कवच लेके आते हैं, और वो कवच क्या है? सुरक्षा, देश की जनता को सुरक्षा देने की बात कहते हैं, लेकिन वो सुरक्षा और वो कवच अपने मित्र अडानी जी को पहना देते हैं। जिस वजह से ये रेल हादसे हो रहे हैं हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार को मानते हैं और सरकार की वजह से ये हो रहा है। किस तरीके से सरकार जिम्मेदार है इसमें? सरकार जो है मालगाड़ी, जो अपने मित्र अडानी जी की मालगाड़ियां हैं उसको टाइम टू टाइम चला रही है, क्योंकि वो उनको मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं। इस देश के लोगों की जान इतनी सस्ती है उनके नज़रों में कि यात्री ट्रेन 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लेट चल रहे हैं, और जो कवच की बात उन्होंने कही थी कि देश के लोग जो रेल में चलेंगे उनके लिए ये कवच है, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये एक सिस्टम उन्होंने रेलवे के अंदर लाया था। लेकिन आज ट्रेन से ट्रेन आपस में टकरा रहे हैं और वो यात्री ट्रेन टकरा रहे हैं, तो इतना गंभीर विषय
इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद इस सरकार के सर में जूं तक नहीं रेंगता है। हमारा सीधा सीधा मांग है कि एक हादसा हो सकता है लेकिन बार बार हादसे नहीं हो सकते। बार बार आपकी गलतियों की वजह से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और आप इसमें कहीं ना कहीं जवाबदार हैं, आपको जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से मोदी सरकार को मतलब बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी तो हुए हैं रेल हादसे, उनके टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? लेकिन कवच तो हमने किसी को पहनाया नहीं था, हमारे तो कोई मित्र नहीं थे, हमने तो अपनी गलतियों को माना था। अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ली थी, हादसे के बाद जो प्रोसेस होता है वो भी हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हादसा हो, कोई मर जाए, किसी की जान चली जाए, उसके बाद लोग बात ना करें, लोग इस्तीफा ना दें, ना उसका रिव्यू हो, ना उस पर चर्चा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ इस सरकार में संभव है। रेल मंत्री को अपने मित्र को, मोदी जी को अपने मित्र को बचाने की बजाय इस देश के लोगों के लिए कवच लाना चाहिए और वो कवच इस देश के लोगों को सुरक्षा की हैसियत से पहुंचाना चाहिए। जिस तरीके से मैं मतलब ये तस्वीर देख पा रही हूँ, रेल मंत्री इस्तीफा दो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आपको रेल मंत्री से क्या दिक्कत है? रेल मंत्री के इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? तो उनकी वजह थोड़ी ना हुआ है ये हादसा, ये तो हो गया, दुर्घटना थी, हो गई। आप रेल मंत्री की प्रवक्ता हैं? नहीं है ना। तो फिर अगर मैं किसी पद पे हूँ और मेरे नीचे ये काम होता है तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा ना, और कोई थोड़ी ना होगा। रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो बाइडेन इस्तीफा थोड़ी ना देगा, रेल मंत्री इस्तीफा देगा ना। तो हम इसीलिए रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे, उनके विभाग के में हुआ है, रेल हादसा हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं लेगा। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दो लोग पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, दोनों लेंगे। मैडम जब हरी झंडी दिखाता है तो भी तो प्रधानमंत्री दिखाता है, जब हरी झंडी दिखानी होती है तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दिखाता है वंदे भारत को भी। तो ये जब रेल हादसा हुआ है इसकी जिम्मेवारी भी प्रधानमंत्री की है और इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ का रेल हादसा। साल में एक होता था, हर महीने नहीं होता था, एक हो गया बाय फॉल्ट, ये तो हर महीने हो रहा है। सिर्फ ये हादसे इसलिए हो रहे हैं कि ये अडानी को रक्षा कवच दिया हुआ है, उसकी मालगाड़ियां निकालनी है और उसकी वजह से वो मालगाड़ियों को दे रहे हैं जगह और आम पैसेंजर इसमें मर रहे हैं, आम जनता मर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर यह बात स्पष्ट है कि किस प्रकार से बालासोर, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, इस पर नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। और जिस प्रकार से पिछली बार रेल मंत्री की क्या गलती आप बता रहे, रेल मंत्री की वजह से थोड़ी ना हुआ है, तो दुर्घटना थी, होनी थी, हो गई। नहीं, दुर्घटना थी जो जिस प्रकार से आपने कवच को इतना ज्यादा आपने प्रमोट किया था, आपने इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, कहाँ गया आज आपका रक्षा कवच, ये भी तो आप देखो ना। इससे पहले भी इतने रेल हादसे हुए, उस पे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी रेल हादसे पे आप इतना वो नहीं, धरना प्रदर्शन हुआ था, बालासोर हुआ था, उस पे भी हमने नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा था, लेकिन किस प्रकार से वहाँ पे प्रधानमंत्री चले गए थे, उन्होंने पूरा अपना गौड़ी मीडिया को वहाँ पे लेके गए थे, पूरा प्रचार प्रसार हुआ था और वो मुद्दा को वहाँ पे दबाने का काम कर दिया था। आज फिर से हम नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और आज फिर जनता देखना चाहती है कि तब तो आपने कह दिया था कि भाई एक व्यक्ति अपने पद पर रहकर अगर उसका जिम्मेदारी को आगे लेके जाना चाहता है, या तो एक दूसरे महीने में ही फिर से दूसरा हादसा हो गया है, तो अब क्या, जब एक व्यक्ति अब उस गलती को नहीं सुधार पाया है तो क्या उस व्यक्ति को फिर से उस पद पर रहने की जरूरत है? तो बात मतलब आपको क्या लग रहा है, धरना प्रदर्शन करने से जो ये रेल मंत्री है इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा दे, उनको नैतिकता के आधार पर तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट उन लोगों के लिए लड़ तो रहे हैं, हम लड़ तो रहे हैं। ये तो नहीं है बाकी के जैसे भाजपा के वो अपने बिल में छुपे हुए हैं, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है, चू तक नहीं निकले किसी कान से, एटलीस्ट हम लोग लड़ तो रहे हैं, लोगों की बात को लेके जाने का काम तो कर रहे हैं, बात ये चीज की है। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में रेल हादसा हुआ है उसको लेके लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रेल मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है, तो आप इनकी बात से कितना सहमत है और क्या कहेंगे इस चीज़ पे, तो हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहे जनहित आवाज़।